राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के तहत गुरुवार को ब्लाइंड फोल्डेड रन फॉर विजन का आयोजन किया गया। यह आयोजन आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब एवं कश्यप मेमोरियल आई बैंक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम खेलगांव में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सांसद संजय सेठ ने रंग बिरंगे बलून उड़ाकर इस रन की शुरुआत की। इसमें उर्सुलाइन कॉन्वेंट स्कूल एवं स्पोर्ट्स अकेडमी के छात्रों ने भाग लिया। इस बार रन फॉर विजन की थीम ब्लाइंड फोल्ड थी। इसमें युवा तथा बच्चे आंखों पर पट्टी बांधकर दौड़े। कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर भारती कश्यप ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना है। पिछले 21 वर्षों से हर वर्ष नेत्रदान जागरूकता अभियान रन फॉर विजन का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति और राज्य की पूर्व गवर्नर द्रौपदी मुर्मू लगातार 5 वर्षों तक इसमें भाग लेती रहीं। लगातार 21 वर्षों से हम नेत्रदान जागरूकता अभियान बहुत ही व्यापक रूप में रन फॉर विजन के तौर पे आयोजन कर रहे हैं। 2018 से हम ब्लाइंड फोल्डेड मैराथन कर रहे हैं। माननीय तत्कालीन गवर्नर माननीय द्रौपदी मुर्मू जी लगातार 5 वर्षों तक इस रन फॉर विजन में भाग ली थी और नेत्रदान का शपथ पत्र भर के झारखंड में नेत्रदान जागरूकता को एक नया संदेश दिया था। कश्यप मेमोरियल आई बैंक झारखंड का सबसे ज्यादा नेत्र प्रत्यारोपण करने वाला आई बैंक है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कश्यप मेमोरियल आई बैंक की ओर से 150 से भी ज्यादा नेत्र प्रत्यारोपण किए गए हैं। संजय सेठ ने कहा कि हमें अंग दान को बढ़ावा देने की जरूरत है। रन फॉर विजन और पेंटिंग के विजेताओं को मंत्री बन्ना गुप्ता एवं सांसद संजय सेठ ने सम्मानित किया। मौके पर शहर के कई गणमान्य उपस्थित थे।